नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में जो कि आपको अंडर द बजट ऑफ 80,000 रुपीस मिल सकता है। तो दोस्तों हम दोनों ही वेबसाइट के ऊपर बात करने वाले हैं, फ्लिपकार्ट एज वेल एज अमेजोन के ऊपर आपको सबसे बेस्ट ऑफर्स एंड डील्स कौन से लैपटॉप के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, उन सभी लैपटॉप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लाइव आने वाले एक लाइव सेशन में जो कि ओपनिंग डे ऑफ सेल पे होने वाला, जो कि कल रात में होगा। तो कल रात में हम लाइव होंगे, तो उसके लिए आप हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमेजोन से। तो दोस्तों अमेजोन के ऊपर काफ़ी सारे लैपटॉप डील्स अभी फिलहाल में ओपन अप हो चुके हैं, जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो लैपटॉप जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है एसुस का टफ F15 लैपटॉप। तो दोस्तों इस लैपटॉप का जो प्राइसिंग करंटली शो किया जा रहा है 58,990 रुपीस है, जो कि ऑफर प्राइसिंग में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन जो इसके अंदर है, कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, साथ में GTX 1650 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, 144Hz का डिस्प्ले है, 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD है एंड विंडोज 10 प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इसका प्राइसिंग करंटली 62,000 रुपीस है, लेकिन ऑफर प्राइसिंग में 3,000 का आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो ये वन ऑफ द वेरी गुड लैपटॉप्स हो सकता है अगर आप एक लैपटॉप अंडर द बजट ऑफ 60,000 रुपीस देख रहे हैं। एंड बाय द वे अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लैपटॉप हो सकता है। नेक्स्ट लैपटॉप जो है HP Pavilion का लैपटॉप है। तो यहाँ पे भी जो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलता है, 10th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है, 10,300H प्रोसेसर, 15.6 इंच का डिस्प्ले है एंड जो कि 144Hz का है, उसी के साथ में 8GB ऑफ रैम, 256GB SSD, 1TB ऑफ हार्ड डिस्क एंड विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलता है, 1650Ti ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है। तो दोस्तों 1650Ti ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल मिल जाता है। इसका करंट प्राइसिंग है 71,000 रुपीस, लेकिन ऑफर प्राइसिंग में आपको ये लैपटॉप जो है वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 63,000 रुपीस में। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट है, साथ में अगर आप इसके साथ में ऐड कर देंगे एडिशनल और भी डिस्काउंट्स को तो इसका प्राइसिंग थोड़ा और भी कम हो सकता है। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि और भी अच्छा ऑप्शन है वो HP Victus, जो कि लेटेस्ट में रिलीज लैपटॉप है HP का। तो दोस्तों इसके अंदर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिलता है, जो कि हेक्साकोर प्रोसेसर है। बाकी जो लैपटॉप्स अभी तक हमने देखे कोर i5 10th जनरेशन वाला क्वाड कोर प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे आपको हेक्साकोर प्रोसेसर मिल रहा है। जो आपको रैम मिल रहा है वो 8GB का है, 512GB का SSD है, GTX 1650 4GB ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है। तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, विंडोज 10 आपको मिल जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल मिल जा रहा है। 69,000 इसका करंट प्राइसिंग है, लेकिन ऑफर प्राइसिंग जो इसकी रखी गई काफ़ी अच्छी है, 62,000 रुपीस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो 7,000 रुपीस का, तो 7,000 का एक काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एंड लैपटॉप बाय द वे काफ़ी अच्छा, तो HP का ये लैपटॉप है Victus सीरीज का जो कि लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, तो आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है यहाँ पे MSI GF75 लैपटॉप, जो कि इंटेल कोर i7 प्रोसेसर साथ मेरा 10,750H 10th जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन ये एक हेक्साकोर प्रोसेसर है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। साथ में 17.3 इंच का फुल HD IPS 144Hz का डिस्प्ले आपको मिलता है। तो दोस्तों 17.3 इंच का डिस्प्ले मतलब कि एक बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है, 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, NVIDIA GTX 1650 4GB ग्राफिक्स कार्ड मिला है। इसका प्राइसिंग करंटली 78,000 के आसपास में, लेकिन ऑफर प्राइसिंग वंस अगेन ये लैपटॉप आपको 72,000 रुपीज़ में मिल सकता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे भी रखा गया है, तो ऑलमोस्ट आपको 6-7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जा रहा है इसके ऊपर भी। नेक्स्ट लैपटॉप जो है एसर का लैपटॉप है नाइट्रो 5, जो कि 11th जनरेशन ऑफ कोर i5 के साथ में आता है, 8GB ऑफ रैम है, 256GB ऑफ SSD विथ 1TB ऑफ हार्ड डिस्क, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड मिला जो कि लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है इस साल का। तो RTX 3050 आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है 4GB का, साथ में यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिला 15.6 इंच का फुल HD 144Hz का डिस्प्ले मिल जाता है। एंड जो लैपटॉप का प्राइसिंग है 80,000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऑफर प्राइसिंग है वंस अगेन इसका प्राइसिंग भी कम कर देगा 73,000 रुपीज़, मतलब कि 7,000 रुपीज़ का वंस अगेन डिस्काउंट। एंड इसमें ही अगर आप हायर वेरिएंट में जाना चाहते हैं तो कोर i7 प्रोसेसर साथ में आप जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे 11th जनरेशन प्रोसेसर है, उसी के साथ में फुल HD IPS डिस्प्ले आपको मिला 15.6 इंच का, जो कि 144Hz का रिफ्रेश रेट आपको प्रोवाइड करता है, उसी के साथ में 16GB ऑफ रैम, 256GB ऑफ SSD, 1TB हार्ड डिस्क एंड विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड जो आपको यहाँ पे मिल रहा है 4GB का NVIDIA RTX 3050 Ti मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों RTX 3050 Ti आपको मिल जाता है,
प्राइसिंग इसकी 97,000 रुपीज़ है, लेकिन ऑफर प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है। वंस अगेन इसका ऑफर प्राइसिंग है 90,000 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप 7,000 के डिस्काउंट के साथ में इस लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। कोर i7 11 जनरेशन प्रोसेसर एंड वन ऑफ द वेरी गुड लैपटॉप्स है। देखिए बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर स्लाइटली हमारा प्राइस रेंज थोड़ा बढ़ चुका है, जो कि 80,000 से 90,000 पे आ चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब 80,000 तक आ गए तो मे बी अगर आप कोर i7 के साथ में जाना चाहते हैं 11 जनरेशन का, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाय द वे अगर आप 80,000 के अंडर में परचेज़ करना चाहते हैं अमेजोन से परचेज़ करना है, तो और भी ऑप्शन हैं जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो कि आप परचेज कर सकते हैं अंडर द बजट ऑफ 80,000 रुपीज। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर वंस अगेन वहाँ पे काफ़ी सारे डील्स एंड ऑफर्स ओपन अप हो चुके हैं। सबसे पहला लैपटॉप जो कि हम देखना चाहेंगे यहाँ पे वो है HP Pavilion Ryzen 5 के साथ में आने वाला लैपटॉप, जो कि GTX 1650 के साथ में आता है। उसी के साथ में हेक्साकोर प्रोसेसर मिला 5600H, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है इस साल का। 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल, 4GB ऑफ ग्राफिक्स कार्ड जो कि GTX 1650 है, और साथ में जो डिस्प्ले आपको मिला 144Hz का डिस्प्ले है। तो दोस्तों इस लैपटॉप का जो प्राइसिंग है करेंटली 64,000 रुपीज़ है, लेकिन ऑफर प्राइसिंग में सेल के टाइम पे इसका प्राइसिंग 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। एंड एक्सपेक्टेशन है कि मे बी इसके साथ में जब आप एडिशनल और ऑफर्स बैंक ऑफर्स को अप्लाई कर देंगे तो इसका प्राइसिंग 1,000-1,500 रुपये और एटलीस्ट कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लैपटॉप जो इससे भी और थोड़े कम बजट में आपको देखने को मिल सकता है वो Acer Aspire 7, जो कि कोर i5 10 जनरेशन के साथ में आता है एंड Ryzen 5 के साथ में भी आता है 5500U प्रोसेसर। तो दोस्तों दोनों ही वेरियंट्स में लैपटॉप अवेलेबल। अगर आप Ryzen के साथ में जाते हैं जो कि एक हेक्साकोर प्रोसेसर, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लाइटली और बेटर है देन द इंटेल वर्जन, तो अगर आप Ryzen प्रोसेसर वाला खरीदना चाहते हैं उसको भी खरीद सकते हैं। इन दोनों लैपट�ॉप्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है सब कुछ सेम है, 8GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ SSD, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलता है, 4GB का GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है प्रोसेसर का। एक में आपको कोर i5 प्रोसेसर मिल रहा है 10 जनरेशन का, दूसरे में आपको लेटेस्ट Ryzen 5 5500U प्रोसेसर मिल रहा है। तो आपके ऊपर आप कंप्लीट चॉइस है कि आप Ryzen के साथ में जाना चाहते हैं या फिर आप Intel वेरिएंट के साथ में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों प्राइसिंग भी सेम है 57,000 रुपीज़, एक्सपेक्टेशन है कि 55,000 एटलीस्ट इसका प्राइस हो जाएगा। एडिशनल डिस्काउंट्स ऐड करने पर लगभग 52,000 के आसपास में इसका प्राइसिंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट जो लैपटॉप है MSI GF63 लैपटॉप है, जो कि कोर i5 10 जनरेशन के साथ में आ रहा है, 8GB ऑफ रैम, 1TB ऑफ हार्ड डिस्क, 256GB ऑफ SSD, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिल रहा है, 4GB ऑफ ग्राफिक्स कार्ड जो कि GTX 1650 मैक्स क्यू ग्राफिक्स कार्ड है। तो दोस्तों क्योंकि ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है इसका करंट प्राइसिंग 60,000 रुपीज़ एंड ऑफर प्राइसिंग में मे बी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइसिंग 55,000 के आसपास में आ सकता है। तो दोस्तों ये लैपटॉप वन ऑफ द वेरी गुड लैपटॉप्स है अगर आप 55,000 के आसपास में लैपटॉप लेना चाहते हैं, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1650 मैक्स की, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लोअर्ड अप होने वाला है देन द GTX 1650। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा होगा कि आप GTX 1650 वाला कोई भी लैपटॉप परचेज करिए। 144Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस लैपटॉप में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 55,000 में ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक बिगिनर है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए अगर आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है तो आप इस लैपटॉप ले सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है 55,000 के आसपास इसका प्राइसिंग हो सकता है। नेक्स्ट जो लैपटॉप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली किंग ऑफ दिस ईयर होने वाला है, वो है Acer Predator Helios 300। दोस्तों यहाँ पे कोर i7 प्रोसेसर साथ में ये लैपटॉप आने वाला, जो कि 11 जनरेशन प्रोसेसर है, 8 कोर्स का प्रोसेसर है, 16GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, 512GB ऑफ SSD एंड दो वेरिएंट्स में लैपटॉप आपको मिलता है, RTX 3060 एंड RTX 3050। एंड करेंटली यहाँ पे जो इसका जो डिस्प्ले है वन ऑफ द सबसे बेस्ट डिस्प्ले है, क्योंकि यहाँ पे आपको 15.6 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले मिल रहा है जो कि IPS है, साथ में 165Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 3 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो एंड DCI-P3 100% कलर गैमेट। तो दोस्तों वन ऑफ द सबसे बेस्ट डिस्प्लेस। एक्सपेक्टेशन जो प्राइस है इस लैपटॉप का वो है कि अगर आप लाइक RTX 3050 के साथ में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्राइसिंग हो सकती है 1 लाख के अराउंड हो सकती है, एंड अगर आप RTX 3060 के साथ में जा रहे हैं 1,10,000 इसका एक्सपेक्टेशन प्राइस है, जो कि रिलीज डेट होने वाला है बिग बिलियन डे सेल में ही। तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन प्राइस जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर आपको एक लैपटॉप लेना है जो जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और जो कि लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो ये वन ऑफ दोज लैपटॉप हो सकता है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली हायर द मार्जिन बजट में जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट लैपटॉप हो सकता है इस साल के लिए।
तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप्स का रिकमेंडेशन जो कि आप 80,000 के बजट के अंडर में ले सकते हैं। एंड अगर आप इन केस उसके हायर रेंज में जाना चाहते हैं तो आपके पास में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि और भी अच्छा ऑप्शन होगा वो है लीजन 5 प्रो। तो दोस्तों लीजन 5 प्रो का भी प्राइसिंग एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो उसका RTX 3060 वाला मॉडल होगा उसका प्राइसिंग लगभग 130,000 के आसपास आ सकता है। बाय द वे इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे जिस दिन सेल शुरू होगा जो कि कल रात में शुरू हो रहा है। तो दोस्तों बाय द वे कल रात में हम लाइव आने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव इवेंट को आप ज्वाइन इन कर सकें हमारे साथ में एंड सभी जो यहाँ पे ऑफर्स डील्स जो भी ओपन हो रहे हैं उन सभी को आप देखना चाहते हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।